हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का सौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार फिर स्वागत है। तो देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की नदियों में अरब सागर की नदी पड़ी, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों में जो अपन ने चंबल नदी पड़ी, चंबल के बाद जो दूसरी नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी से किसी न किसी एग्जाम में कहीं कहीं से प्रश्न लगभग आ ही जाता है। तो देखिए, अच्छे से समझना, एक बार सभी स्टूडेंट अपने मोबाइल को अच्छे से अपने सामने रख लें और नोट्स बनाते रहें। तो बनास नदी की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, बनास नदी, सबसे पहले बात करते हैं बनास नदी की लंबाई की। यह है अपनी बनास नदी। अगर बनास नदी की कुल लंबाई की बात की जाए, बनास नदी की कुल जो लंबाई है वो है दोस्तों 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर लंबाई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगला प्रश्न आपको निकलेगा, ये बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। देखिए, यहां से प्रश्न आपको सही करना है। अगर आपसे पूछता है, अगर राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो चंबल करना है दोस्तों। अगर प्रश्न में आ जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो बनास करना है। अब देखिए, बनास नदी के उपनामों की बात करते हैं। बनास नदी को देखिए बरनासा कहा जाता है, इसका उपनाम है बरनासा कहते हैं इसे, इसी को कहते हैं वशिष्ठी, वशिष्ठी, और इसका तीसरा उपनाम है वन की आशा। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, अगर राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है, तो वो है अपनी बनास नदी। तो ये बनास नदी की सामान्य जानकारी थी। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। बनास को बरनासा, वशिष्ठी और वन की आशा नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए, अपन बनास नदी की पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा अच्छे से। तो देखो, राजस्थान के मैप को नदी पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान में रखा करो, जिससे आपको समस्या नहीं आए। तो देखिए, मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी लूनी, अब दूसरी नदी एक अपनी बनास। ये बनास और लूनी दोनों नदियों का उद्गम होता तो अरावली पर्वतमाला से है, लेकिन लूनी तो अरावली के पश्चिम में जाती है और बनास अरावली के पूर्व में जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं बनास नदी, अच्छे से समझना है। ये रही हमारी अरावली पर्वतमाला, ये जो पर्वतमाला है ये है अरावली। अब देखिए, ये जो बनास है, ये बनास जाके मिलेगी दोस्तों चंबल में। एक बार में समझ में आ जाएगा, ये नदी रही हमारी ये नदी है अपनी चंबल, ये चंबल नदी और ये है अरावली पर्वत माला। अपन को पढ़ना है बनास नदी। तो देखिए दोस्तों, बनास नदी की जब बात करते हैं तो अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं उद्गम की। अब बनास नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तो आपने एक नाम सुना होगा खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा गया था, अनेक नाम दिए गए थे। तो हमारे राजस्थान का ये एक जिला है अपने, और ये जिला है दोस्तों राजसमंद जिला है। इस राजसमंद जिले में पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों को
जो नाम दिया जाता है वो है खमनौर की पहाड़ियां। इन्हीं खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होगा और अंत में ये बनास नदी चंबल में जाकर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बनास नदी का बहाव क्षेत्र, तो उद्गम की जब बात करें, बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में स्थित खमनौर की पहाड़ियों से होता है। ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलने के बाद ऐसे ये चित्तौड़गढ़ जाती है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक और टोंक से सवाई माधोपुर। समझना, एक बार में समझ में आ जाएगी। ये नदी है बनास, ये अरावली पर्वतमाला और ये नदी है चंबल, और ये बीच का जो बहाव क्षेत्र है ये है बनास का। तो बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? 6। देखिए दोस्तों, उद्गम हुआ और इसका जो उद्गम हुआ वो हुआ राजसमंद जिले से, और राजसमंद के बाद ये पहुंच गई मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़, और अब चित्तौड़गढ़ से जाएगी भैया जी ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से पहुंची अजमेर, अजमेर से पहुंचेगी ये टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और ये सवाई माधोपुर में ये कौन सी बहती आ रही है? चंबल। तो सवाई माधोपुर का जो स्थान है वो है रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट स्थान पर ये बनास जो नदी है ये किस में मिल जाएगी? चंबल में। ये रामेश्वरम घाट पर ध्यान रखना त्रिवेणी संगम भी होता है। तो मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। तो देखिए मेरे साथ साथ बोलते चलें धीरे धीरे। बनास नदी का जो उद्गम हुआ, ये बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से हुआ, और खमनौर की पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में, और राजसमंद के बाद ये गई अपने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद पहुंची भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद ये जाती है भैया जी अपने अजमेर, और अजमेर के बाद पहुंची टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट स्थान पर किस में मिल गई? चंबल में। ये बनास नदी का बहाव क्षेत्र था। देखिए ये बनास नदी का बहाव क्षेत्र है। अब इस बनास नदी पर अपन बांधों की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सहायक पढ़ेंगे, कुछ बच्चे त्रिवेणी संगम बनाएंगे, त्रिवेणी संगम भी बनाएंगे। अब देखिए इस बनास नदी से प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, इस बनास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं जो अपने राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। बनास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, और एक बांध टोंक में और एक है सवाई माधोपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, ये टोंक वाला राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया गया है। टोंक में जो बांध बनाया गया है इस बांध का नाम है बीसलपुर बांध। अब ये प्रश्न क्या पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूं। बीसलपुर बांध की तहसील पूछी गई थी टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह तहसील के बीसल गांव में टोंक जिले में बनास नदी पर बांध बनाया गया बीसलपुर बांध। ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों, बीसलपुर जो बांध परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बनने जा रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना। इस पर दूसरा जो बांध बनाया गया है वो सवाई माधोपुर जिले में है, और सवाई माधोपुर जिले में इस नदी पर जो बांध बनाया गया है वह है ईसरदा,
ईसरदा बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर, किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। अब देखिए, इससे कई बार एक और प्रश्न आता है, अगर राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो सर्पिलाकार में बहती है? वो है अपनी बनास नदी। सर्पिलाकार में बहने वाली नदी है बनास, और ये सर्प के आकार में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बनास नदी थी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, सभी स्टूडेंट मेरे साथ वापस से रिवाइज देखिए। बनास नदी की जो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, जबकि राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल। एक प्रश्न और बहुत बड़ा संशय का विषय बना हुआ है, राजस्थान में सबसे अधिक जल प्रवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो चंबल मत करना दोस्तों, बनास का है, ध्यान रखना। तो उद्गम हुआ खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, ये खमनौर की पहाड़ियों में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य, ध्यान रखिएगा। और इसी खमनौर की पहाड़ियों के पास बनी हुई है रक्त तलाई। कई बार पूछ लिया जाता है कि रक्त तलाई कहाँ पर है? खमनौर की पहाड़ियों के पास में। जबकि दुग्ध तलाई की बात करें तो मैंने आपको झील पढ़ाई थी पिछोला, पिछोला झील के पास। तो ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकली बनास नदी, और राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई भीलवाड़ा में चली जाती है, और भीलवाड़ा के बाद अजमेर में चली जाती है, अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के बाद पहुंचेगी सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट नामक स्थान पर चंबल में मिल जाएगी। और चंबल अपना जल यमुना को देगी, यमुना गंगा को देगी, गंगा कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये नदी है अपनी बनास। अब पढ़ेंगे बनास की प्रमुख सहायक नदियां। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बनास की सहायक नदी पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए बनास की सहायक नदी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अपनी बनास है, डायग्राम को ऐसे रहने देंगे, बनास समझ में आ गई। अब सहायक नदी जो इसमें आकर मिलेंगी वो इसकी क्या कहलाएंगी? सहायक। अब सहायक नदियों में बात करें, बनास की प्रमुख सहायक नदियों में देखिए, एक तो है बेडच नदी, कोठारी नदी, मेनाल नदी, खारी नदी, मासी नदी, डाई नदी आदि। हाँ वो क्लियर कर देता हूं, सीप बारा त्रिवेणी संगम, ये धौलपुर जिले से आती एक नदी ऐसे सीप नदी, और ये सीप नदी है ना, ये इसमें यहाँ की मिलती है रामेश्वरम घाट पर, सीप नदी, सीप, और सीप नदी यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो जाएगा, लिख लो नोट्स में, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट में होता है, चंबल बनास और सीप का। ये सीप नदी धौलपुर जिले से आती है, धौलपुर के बाद सवाई माधोपुर में बहती है, सवाई माधोपुर के वही रामेश्वरम घाट नामक स्थान पर ये त्रिवेणी संगम बना देती है। तो ये राजस्थान का दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मिटा देता हूँ यहां से, ये लो। अब चंबल की, सॉरी बनास की सहायक चल रही है। तो ये अब अपनी सहायक नदियों की जब बात करें तो सबसे पहले करेंगे बेडच नदी की बात। देखिए बेडच नदी, नदी का नाम है बेडच, ये उदयपुर है, उदयपुर में अरावली का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। एक डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान देना अच्छे से, ये उदयपुर जिले में, और दोस्तों पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां।
गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकालेंगे अपन, कौन सी? बेड़च। बेड़च नदी को निकालेंगे। उदयपुर जिले में एक झील बताई मैंने आपको और झील का नाम है दोस्तों उदय सागर। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी नॉन स्टॉप जाती है, उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का एक स्थान है दोस्तों बिंगौद। ये बिंगौद है किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में। और बिंगौद नामक स्थान पर बेड़च किस में मिल रही है रे? अरे बनास में। तो देखिए बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकली और उदयपुर से निकलने के बाद उदयपुर जिले में एक झील है उदय सागर, और उदय सागर झील में गिरने के बाद निकलने के बाद चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के बिंगौद नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? बनास में। ध्यान देने योग्य बात यह है मेरे दोस्तों, इस बेड़च नदी को गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम होता है आयड़। आयड़ किस नदी का नाम है? बेड़च। तो बेड़च का दूसरा नाम क्या होगा भाई? आयड़ नदी। आयड़ नदी बेड़च का ही दूसरा नाम है। बेड़च नदी को गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक किस नाम से जाना जाता है? आयड़ के नाम से। ध्यान रखना इसी आयड़ नदी के किनारे उदयपुर शहर बसा हुआ है और उदयपुर में एक सभ्यता का विकास हुआ और वो आहड़ सभ्यता है जो उदयपुर में इसी बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे स्थानीय भाषा में धूल कोट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी हुई बेड़च नदी। एक बार इसको आप वापस पुनः स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, अगली नदी पढ़ेंगे मेनाल। मेनाल क्यों पढ़ रहे? त्रिवेणी संगम करा देंगे। तो देखिए मेनाल नदी अगली नदी है, इसकी सहायक मेनाल नदी और मेला मेनाल नदी ये निकलती है भीलवाड़ा क्षेत्र से, भीलवाड़ा में बिजोलिया के पठार के आसपास से, और निकलने के बाद बहती हुई उसी स्थान पर जिस स्थान पर बेड़च बनास में मिली थी उसी स्थान पर मेनाल मिल जाती है। और इस बिंगौद में भीलवाड़ा में दोस्तों क्या होता है? त्रिवेणी संगम। क्या हो जाता है भाई? त्रिवेणी संगम। तो मेनाल, बेड़च और बनास का त्रिवेणी संगम कहां पर हुआ? बिंगौद, भीलवाड़ा। तो ये त्रिवेणी संगम हो गया दोस्तों अपना, ठीक है ना। तो मेनाल किसकी सहायक नदी है? बनास की। और बनास, मेनाल और बेड़च तीनों मिलकर के एक त्रिवेणी संगम कहां पर बनाते हैं? बिंगौद, भीलवाड़ा। अब देखिए दो नदी हो गई, अगली पढ़ेंगे इसकी सहायक कोठारी। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल डायग्राम से मैं क्लियर लेके चल रहा हूँ आपको। तो ठीक है, मैं ये दो नदी मिटा देता हूं। अब अगली नदी पढ़ेंगे अपन कोठारी नदी। कोठारी नदी से प्रश्न आता है दोस्तों बहुत ज्यादा संख्या में, तो कोठारी नदी अच्छे से पढ़ना, क्लियर, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगली नदी है दोस्तों कोठारी नदी। कोठारी नदी से प्रश्न आ जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। कोठारी नदी, कोठारी नदी की जब बात करें सबसे पहले उद्गम की, कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो ध्यान रखना दिवेर की पहाड़ियां हैं। दिवेर की पहाड़ी, ये दिवेर की पहाड़ी। और देखिए दिवेर की जब पहाड़ी याद नाम आता है तो आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी सोच आती होगी। दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ था 1582 में, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। तो दिवेर का युद्ध हुआ था उसी स्थान पर राजसमंद जिले में। ये दिवेर की पहाड़ियां हैं और इन्हीं दिवेर की पहाड़ियों से नदी निकलती है कोठारी। कोठारी नदी निकली दिवेर की पहाड़ियों से और दिवेर की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये भीलवाड़ा चली जाएगी। राजसमंद से भीलवाड़ा गई और भीलवाड़ा का नंदराय गांव है, नंदराय
इस नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाएगी कौन सी? कोठारी नदी। और कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से हुआ, राजसमंद जिले से, राजसमंद के बाद भीलवाड़ा में बहती हुई, भीलवाड़ा के नंदराय नामक स्थान पर किस में मिल गई भैया? बनास में। लेकिन कोठारी नदी से आप प्रश्न देखिए आप किस तरीके से आते हैं। कोठारी नदी से पहला प्रश्न तो ये आता है कि जो भीलवाड़ा शहर है, भीलवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोठारी नदी के किनारे। दूसरी बात यह है दोस्तों, ध्यान रखना, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, मेजरा बांध। बहुत बार पूछा जाता है मेजरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर, और ये मांडल के आसपास बनाया गया है, मांडल से 8 किलोमीटर दूर। उसके बाद ध्यान रखें दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में एक सभ्यता का उदय हुआ था, बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता किस जिले में है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। जब मैंने आपको झील पढ़ाई थी तो उसमें एक शब्द आया था बागौर की हवेली। तो बागौर की जो हवेलियां हैं, ये बागौर की हवेली आपको पता होना चाहिए, फिसोला झील के किनारे हैं। बागौर की हवेलियों में पगड़ी है विश्व की सबसे लंबी और सबसे छोटी। तो ये कोठारी नदी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से हुआ, भीलवाड़ा में जाते हैं, भीलवाड़ा का एक गांव आता है नंदराय, नंदराय के पास भीलवाड़ा में ही किस में मिल जाती है? बनास में। कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता विकसित हुई, भीलवाड़ा शहर बसा हुआ है और मेजा बांध बना हुआ है। तो ये अपनी कोठारी नदी क्लियर होती है, देख ले अच्छे से एक बार, ठीक है, फिर मैं मिटाने वाला हूं। अगली नदी पढ़ेंगे खारी। अगली नदी है दोस्तों खारी नदी। देखिए खारी नदी आपके भूगोल में जब आप पढ़ोगे तो खारी नदी आएंगी कम से कम 5। एक खारी जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की है, एक खारी नदी है वो लूणी की सहायक नदियों में थी, और एक खारी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से ध्यान रखना, लैब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया था, अब इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी का जल कहाँ जाता है? तो ये इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी है। तो खारी नदी इजराइल की पहाड़ियाँ, ध्यान रखें इजराइल, और ये इजराइल है ना, इजराइल की पहाड़ियाँ, ये इजराइल की पहाड़ियाँ भी दोस्तों राजसमंद में हैं। इजराइल की पहाड़ियाँ, और इजराइल की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? राजसमंद। राजसमंद के बाद भीलवाड़ा और अजमेर में बहती हुई यह नदी टोंक में चली जाती है, और टोंक के देवली शहर, टोंक का एक शहर है देवली, देवली नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? बनास में। तो यह एक छोटा सा प्रश्न याद रखना है, अब इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी का जल कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। अब ये मासी और डाई, ये छोटी छोटी जलधाराएं जो आकर के मिलती हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। अब ये अपनी इसी के साथ बनास नदी और उसकी सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी क्या होती है? समाप्त होती है, ठीक है ना। अब बंगाल की खाड़ी की जो अगली नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाणगंगा। बाणगंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा कभी, अरे महाभारत, महाभारत हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो एक भूमि विवाद था, और जबकि रामायण एक किडनैप अपहरण केस था। तो रामायण महाभारत पढ़ते होंगे। अगली नदी पढ़ा रहा हूं बाणगंगा। बाणगंगा नदी, देखिए दोस्तों महाभारत, महाभारत लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत और महाभारत के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत का नाम तो सुना होगा रीट वाले, और ध्यान रखना महाभारत से प्रश्न आया था महाभारत, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता किसका भाग है? महाभारत का, ठीक है। तो महाभारत और महाभारत के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं महर्षि वेदव्यास,
और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की जो रचना की थी, महाभारत की रचना किस झील के किनारे बैठकर की थी? पुष्कर। महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? ध्यान रखना दोस्तों, पांडव वर्सेज कौरवों के युद्ध का। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र, और ये कुरुक्षेत्र है अपना हरियाणा में। महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। अब देखिए, महाभारत काल में पांडवों को हो जाता है अज्ञातवास। महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास हो जाता है, और अज्ञातवास के समय ये पांडव बैराट नगर में आकर छुपते हैं। तो जब ये पांडव बैराट नगर में आकर अरावली की पहाड़ियों में छुपे हुए थे, राजा विराट के यहाँ पर किसी बुक में कमल नयन भी मिल जाता है। तो बैराट की पहाड़ियों में जब ये छुपे हुए थे, बैराट की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जयपुर में, ये बैराट है, ये जयपुर में ही है। तो पांडव यहाँ पर आकर छुप जाते हैं, और अर्जुन ने क्या किया? बाण चलाया पानी प्राप्ति करने के लिए, और अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया तो वहाँ से जलधारा या नदी का उद्गम हुआ, और उसी को नाम दे दिया बाण गंगा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बाण गंगा नदी का उद्गम याद रखना है। अकबान गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। तो ये अर्जुन ने बनाई, तो इस बाण गंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की क्या कहते हैं? गंगा। इसी को पांडवों की गंगा कहा जाता है, पांडवों की गंगा। इसी को ध्यान रखना, मोस्टली पूछा जाता है रुंडित नदी। अक राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? इसी को ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तीर से। तो इसी को क्या कहा जाता है? तीर गंगा। अब देखिए, बाणगंगा नदी पर आपको 2 मिनट संशय में आपका समाप्त कर देता हूं। कुछ भूगोल वेता बताते हैं कि साहब बाणगंगा नदी को आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित कर लिया गया है। मैं सहमत हूं, सभी का सम्मान करता हूं, उन्होंने अपनी जगह सही बताया दोस्तों। अब क्या है कि इस नदी का जल जयपुर से आगे बहुत कम मात्रा में जाता है, क्योंकि ये दौसा और भरतपुर में नहीं बहती। इसका परकोटा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन जो हमारी राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की जो बुक है HM सक्सेना सर की, उसमें आज भी इसको बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित किया गया है। तो आप ध्यान रखें, अभी इसकी पूर्ण रूप से घोषणा नहीं की गई है आंतरिक प्रवाह में। तो बाणगंगा नदी, अब देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र। तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, पांडवों की गंगा, रुंडित नदी, तीर गंगा, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? बैराट की पहाड़ियां जयपुर, और बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलने के बाद ये नदी, अब देखिए इन बैराट की पहाड़ियों से निकाल दी, ये है बैराट की पहाड़ियां, और ऐसे दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद उत्तर प्रदेश, ये जयपुर हो गया। जयपुर के बाद कौन से जिले में जाएगी दोस्तों? दौसा, और दौसा के बाद कहाँ जाएगी? भरतपुर, और भरतपुर के बाद ये चली गई दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का फतेहागंज, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है फतेहागंज। फतेहागंज नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती थी? यमुना में। तो ये अपनी बाणगंगा नदी है। कौन सी है भाई? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकली, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद उत्तर प्रदेश में चली गई, और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है फतेहागंज, वहां पर यमुना में मिल जाती थी दोस्तों ये नदी, ठीक है ना। लेकिन चर्चा का विषय यह है, अब वर्तमान की जब बात की जाए तो इस नदी का जल जयपुर में ही रुक जाता है, दौसा और भरतपुर में नहीं जाता। तो कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं अब यह नदी आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित कर दी गई है, अभी नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की जो बुक है हरिमोहन सक्सेना की, उसमें इस नदी को अभी भी बंगाल की खाड़ी में माना गया है। तो अब लास्ट नदी है अपनी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली गंभीरी नदी,
ठीक है, तो अगली नदी पढ़ेंगे गंभीरी। हाँ तो दोस्तों ये अपनी बाणगंगा नदी हो गई। अब दो नदियों के नाम को लेकर बच्चे संशय में आ जाते हैं। एक नदी का नाम है गंभीरी नदी और एक का नाम है गंभीर नदी। जब यहां से प्रश्न आ जाता है तो बच्चा माइंड में सोचता है सर गंभीर गंभीरी गंभीर गंभीरी, कुछ नहीं करना। अगर गंभीरी शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है बेडच, और गंभीर शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है यमुना। अगर गंभीरी नदी निकलती है जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से और चित्तौड़गढ़ में आती है, चित्तौड़गढ़ में आकर किसमें मिल जाती है, बेडच में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मुख्य नदी है जहां से प्रश्न बनता है अपना, वो बनता है गंभीर नदी से। देखिए दोस्तों ये गंभीर नदी से प्रश्न बहुत अच्छा निकलता है। ये गंभीर नदी क्या है कि करौली जिले से निकलती है और भरतपुर में जाती है, और भरतपुर के बाद उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का एक बिचपुरी स्थान है वहां पर यमुना में मिल जाती है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है इसकी पांच सहायक नदियां हैं गंभीर की। गंभीर की पांच सहायक नदियां हैं, इन पांच सहायक नदियों पर एक बांध बनाया गया है पांचना बांध। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में सम्मिलित नहीं है। तो पांच सहायक नदियां हैं गंभीर की। पांच सहायक नदियों में देखिए दोस्तों, एक तो है बरखेड़ा, एक है अटा, एक है माची, एक है भैंसावट और एक है भद्रावती। ये गंभीर की पांच सहायक नदियां हैं, और इन पांच सहायक नदियों के नाम वापिस रिवाइज कर रहा हूं, देखना, बरखेड़ा, अटा, माची, भैंसावट और भद्रावती। इन पांचों नदियों पर एक बांध बनाया गया है मिट्टी का पांचना बांध, जो राजस्थान के मुख्य रूप से किस जिले में है, करौली जिले में, मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये है अपना दोस्तों पांचना बांध। तो देखिए इसी के साथ हमारे राजस्थान की वो नदियां समाप्त होती हैं जिनका जल अंतिम रूप से कहां जाता है, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों नदी पढ़ाई, मुख्य नदी पढ़ाई, मैंने आपको रामायण बिल्कुल नहीं पढ़ाई फालतू की, रामायण एक नंबर अच्छे तरीके से जो मुख्य नदियां थी वो पढ़ाई थी आपको। आप को अच्छा लग रहा है पढ़ना हमारा, तो दोस्तों हमारे चैनल सौर्य क्लासेज उदयपुर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।